सेक्शन खोल दिया हुआ है, बस थोड़ी देर में आगे बढ़ रहा है। जैसे काम वो मैं बताता हूँ आपको कैसे अपना सर्विस एक्टिवा की सर्विस होती है, एक एक डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपका क्या चार्जेज रहता है इसका सर? प्रो होंडा जेन्युइन लूब्स एंड केमिकल्स, ये इंजन ऑयल अपना एक्टिवा में डलने जा रहा है। अभी जो अगला स्टेप होगा अपना सर्विस का एक्टिवा 6G का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कह रहे थे अभी भाई कि इनको कह रहे थे कि अभी आपको वीडियो में आ रहे तो रिश्ते आएंगे। ये सारा प्रीमियम होंडा अपना वैलिडिटी देती है 1 to 6 ईयर की, उसमें रीजनेबल चार्जेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, ये फीचर्स हैं सारे दिए हुए हैं, पैकेज ट्रांसफर ऑप्शन, पैकेज चॉइस, रिफंड ऑप्शन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो अपना कोई कस्टमर नाराज हुआ बड़ा, पता नहीं क्या नाराजगी है, कोई इशू होगा उनका, समझ नहीं आ रहा। फेमस है अच्छा। तो भाई 40 में मोटर मार्केट पे आओगे तो भाई से चाय जरूर पी के जाना, बहुत फेमस है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ले, मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, सही रहा सब, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, सारा अच्छे से सर्विस होगी। एक इंजन में रिफाइनमेंट सी सुनने को मिल रही है आपको, अच्छा जैसे लगता है कि इंजन को ट्रीट किया गया, वो आपको साउंड सुनने में मिल रही है। ओह हाँ, फुल दौड़ती है भाई। क्या मेरे चैनल का नाम है सर? DoubleG Vlogs, DoubleG, डबल होता है दोहरा दोहरा डबल, उसके बाद अकेला जी है, फिर व्लॉग्स है। हेलो विजय जी, बोल रहे हो होंडा सर्विस से? सर अपना सर्विस की बुकिंग करवानी थी एक कल के लिए। सर अपना बुकिंग करवानी है उसकी सर्विस की ना, कल सर्विस पे आऊँगा करवाने, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर आ जाए जल्दी। कब की करनी है? सर बता दो आप अवेलेबल स्लॉट कौन सा है, तो मैं उसी के हिसाब से आ जाऊँगा ना फिर। कल का सर सुबह 10, 10:30, 11, 11:30 सुबह 10:30 का रख लो आप। नाम सही? सर मेरा गौरव है। गौरव? हाँ जी, मतलब ये है कि मैं आऊँ जैसे, तो मतलब मेरे को क्यू 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 में ना लगना पड़े सर, है ना, प्रेफरेंस दे के प्रायोरिटी दे के मेरा नंबर लगा दिया जाए। सर बुकिंग का नंबर 2 घंटे के अंदर फ्री हो जाती है। ठीक है जी, गौरव के नाम से मैंने आपकी कल की कर दी है, जब आप आओगे ना बताना कि मेरी बुकिंग है 10:30 की। ठीक है जी। ठीक है, आपका गुड नेम क्या सर? मेरा नाम अजय है जी। ठीक है अजय जी, मैं आपको ही कॉन्टेक्ट करता हूँ आते ही जैसे। ठीक, थैंक यू सो मच सर। द नेक्स्ट डे अपने चहीते चैनल DoubleG Vlogs में दोस्तों, आज देख सकते हो आप कैसे बारिश हो रही है अपनी, और आज हम निकल चुके हैं एक्टिवा पे। दोस्तों एक्टिवा पे भी अपना मोटर ब्लॉगिंग करने का अपना ही मज़ा है। ठीक है जी, देखो सामने पानी पानी हो चुका है अपने इकट्ठे। हम यहाँ अभी गाँव को ढूंढ रहे हैं, गाँव काऊ, वो देखो काऊ सामने दिख रही होगी, हमने हमारे पास रोटी पड़ी है इधर, और रोटी डालनी है हमने अपना गऊ माता को, और रोटी डालकर हम चलेंगे अपना सीधा इसकी सर्विस करवाने। मैंने कल इसकी बुकिंग करवा ली थी, तो अभी देखो आप देखते जाओ, गऊ माता अपना को मिल गई है बारी। आजा आजा आजा, गऊ माता को रोटी देते हैं, आजा ले, वो बुला रही है मुझे, कह रही तू आजा। तो हम चलते हैं गऊ माता के पास, हम रोटी देते हैं और अपना ले ले ले, आजा आजा जी, रोटी हमने दे दी है। ठीक है जी, लिफाफे को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते कहीं भी, बाकी अब सीधा ले चलते हैं हम अपना सर्विस स्टेशन। एक्टिवा अपनी है जो मैं बताता हूँ मॉडल आपको, यह है टॉप मॉडल है दोस्तों एक्टिवा का। ठीक है जी, टॉप मॉडल है और अपना टॉप मॉडल 6G है दोस्तों, 6G है। ठीक है जी, बाकी चलो देखो सीधा चलते हैं हम अपना सर्विस स्टेशन इसको लेकर। दौड़ती फुल है जी, फुल फुल दौड़ती है, 125 सीसी है ये, और फुल दौड़ती है, डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें, आपको दिखाऊंगा सारा इसका वॉक अराउंड दूंगा इसका एक्टिवा का। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका कोई इसके रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो इसके बारे में, एक्टिवा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, एक्टिवा के बारे में, सर्विस के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ सारा कुछ बताऊंगा आपको। बहुत न्यू पड़ी है, फादर साहब चलाते हैं मेरे, क्योंकि थोड़ा छोटा मोटा मार्केट जाना हो तो उसके लिए बेटर है, बहुत बेस्ट है अपना, आराम से चलाओ अपना, चलती है छोटे मोटे रास्तों को कवर करने के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आपको, अगर आपके पास भी है एक्टिवा तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को कि आपके पास भी एक्टिवा है। ठीक है जी, और बता देना कौन सा जी है, कौन सी जनरेशन है, वो भी आप कमेंट में बता देना।
की मज़ा है अपना बारिश में राइड करने का। एक्टिवा भी जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम हमेशा जिक्सर पे करते हैं अपना मोटो व्लॉगिंग, सुजुकी जिक्सर 250 मोटो जीपी एडिशन, उस पर हमेशा हमारी मोटो व्लॉगिंग रहती है हमेशा। पर आज का जो ये व्लॉग है वो सबसे ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हमने निकाल दी है अपनी एक्टिवा और ये पहली वीडियो होने वाली है हमारे चैनल पर जो एक्टिवा की वीडियो है। ठीक है जी दोस्तों, ओह चंडीगढ़ में आप देख सकते हो टू व्हीलर की स्पीड लिमिट है 45 और गाड़ियों की जो है 60 है। हमें जाना है 240 हेक्टर 40, देखो 45 और 40 लिखा होगा, 40 साइड है। तो हम यहाँ से अपना चौंक घुमा के राइट टर्न लेंगे। अभी आप देखते रहो, अगर आप कभी बारिश में फंस जाते हो ना दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, तो बारिश को ना कभी मतलब ऐसा ना रहो कि बारिश आप पर मतलब पड़ रही है, आप भीग रहे हो, ये मत, अब उसको इन्जॉय करो, उसको फील करो मौसम। ये भी एक मौसम है, जैसे हम गर्मी फील करते हैं या सर्दी हमें लगती है, ये भी बारिश भी एक मौसम है, ठीक है, गीलापन, तो इसको भी अपना इन्जॉय करो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप इसको सोचते हो कि बारिश हो रही है यार भीग जाऊँगा, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है वो, बस इन्जॉय करो। ये भी एक अपना कुदरत का एक करिश्मा है, एक नया रूप है, एक रंग है, तो उस रंग को एक्सेप्ट करो जैसा भी है। और बारिश में चाय पकौड़े जो भी आप अपनी अपनी जगह पर हो खाते रहो, मुझे लो पूरे फुल फुल मैगी खाओ, जो मर्जी खाना खाओ, मतलब जो जो चीज़ें आपको लगती है अच्छा ऐसे मौसम में खाना वो खाओ, आप कंज्यूम करो, इन्जॉय करो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी यहाँ से आपको दिखाता हूँ, अब स्लिप रोड पड़ेगी, स्लिप रोड से हम सीधा 40 में एंटर हो जाएंगे। ये हम हो गए 40 में एंटर अपना, लो जी आ चुके हैं अपना 40 में, टक टक टक, अच्छा ये देख सकते हो आप 40 की मार्केट है, शोरूम है, शोरूम वगैरह यहाँ कुछ, ठीक है जी। आज वैसे ही बारिश में थोड़ा कम हो जाते हैं बंदे, क्योंकि पता है आपको बारिश तो कम कर देती है बंदों को निकलने से, ऐतराते हैं बंदे बाहर निकलना बारिश में, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं समझा, मैं कहा चलो यार कोई नहीं जो भी है अपना, क्या टाइम को छोटी करना, अपना सीधा जाके एक्टिवा की सर्विस करवाता हूँ, बारिश हो जो भी है चलते हैं। हाँ ये है कि एक थोड़ा फ़र्क पड़ेगा कि अपना वॉशिंग के बाद जो लुक होती है वो फेड आउट हो जाएगी इसकी, वो चमक धमक जो भी है वो सारी छिट्टों की वजह से ख़राब हो जाएगी। बाकी यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, ठीक है जी। अब मैं आपको सर्विस स्टेशन, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया, नज़दीक ही है सर्विस स्टेशन, एज मैंने बुकिंग करवा ली थी पहले ही, तो होपफुली नंबर अपना लग जाए। वो देख सकते हो आप सामने प्लैटिनम होंडा सर्विस स्टेशन, सर अपनी ना बुकिंग सी कल दी करवा ली थी, बुकिंग करवा ली थी मैंने, तो अजय अजय होना अजय ना गल हुई थी मेरी, ये देख सकते हो सामने सारा है, अपना सर्विस स्टेशन है यहाँ पर, एक्टिवा ही सर्विस हो रही है सारी, देखो होंडा की गाड़ियाँ वो सारी सर्विस हो रही है। तो आप भी अगर आपने भी अपनी चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में हो तो आप यहाँ पर आके अपना करवा सकते हो, अपना देख सकते हो प्लैटिनम ऑटो सेल्स, वर्किंग टाइम देख सकते हो 9 बज के 6 बजे तक है शाम तक, संडे भी ओपन रहता है, बाकी लंच रहता है 1:30 से 2 बजे तक। सर अजय, अजय आपका नाम, अजय जी मैंने ना कल कॉल किया था, हाँ जी, तो गौरव नाम की बुकिंग होगी आपके पास एक्टिवा की, सर यही 10 बजे का टाइम था, 10:30 यही टाइम, ऊपर ले आऊँ, ठीक है जी,
तो गाड़ी ऊपर लेकर चलते हैं जी। आ चुकी है अपनी गाड़ी बाहर, अब मैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ये मेरे को गेट पास मिला है, बाकी यही है, आप भी बुकिंग करवा लिया करो। बुकिंग करवाने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे आप मतलब कि ज़्यादा क्यू में लगना नहीं पड़ता। हो सकता है मे भी बारिश की वजह से आज कम रश होगा, पर फिर भी रश तो होता ही है क्योंकि सर्विस तो चलती रहती है हमेशा। तो इसलिए पहले मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि अपनी बुकिंग करवा लिया करो ताकि आसानी रहती है फिर आपको बाद में। एनी प्रॉब्लम इन योर एक्टिवा सर? नहीं सर, गाड़ी तो अभी ठीक चल रही है, बस थोड़ी मतलब कि जैसे लगता है ना कि सर्विस की ज़रूरत है गाड़ी को, बस जैसे टाइम टू टाइम लगता है वही बस रिक्वायरमेंट लग रही है। तो देख सकते हो इधर जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना सारे इंस्पेक्शन करते हैं, सारे अपना बैक लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न इंडिकेटर, सारा कुछ मतलब सब कुछ चेक करते हैं पहले, फिर उसके बाद मार्किंग होती है अपना। जी सर ठीक है। जी सर जी सर। सर मैंने आपको बताया था मेरे पास ये पहले AMC पैकेज। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, इसमें आपके सारे इंजन पार्ट्स कवर्ड होते हैं, सेंसर बेस्ड है, आपके सारे सेंसर कवर है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स हो गए, मीटर हो गए, वायरिंग, ये मेरे ख्याल से यहाँ भी मेंशन है ना। हाँ ये सर है ना। ओके ओके। थ्री इयर्स में कोई पार्ट आपका खराब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट होती है। जी सर। इस पे जो लेबर आपकी ये आपकी फ्री हो जाती है, जीरो कॉस्ट में वर्क होता है। ओके, क्या कहते हैं इसको सर? EW+। ओके ओके, एक्सटेंडेड वारंटी प्लस, ये अपना होंडा ही अपनी प्रोवाइड करती है आपको। ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगा, ऑनलाइन अपडेट हो जाता है सारा। जी सर। ओके, आपका क्या चार्जेस रहता है इसका सर? 2020 1457। ठीक है ठीक है सर। अभी तो सर नहीं, मेरा मतलब अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मे भी हो सकता है नेक्स्ट सर्विस में ये वैलिड रहेगा ना, ये तो अभी चल ही रहेगा, चलता रहेगा ना। ठीक है सर। तो देख सकते हो अपनी एक्टिवा लग चुकी है वॉशिंग पे, देख सकते हो कैसे एयर प्रेशर से अपना यहाँ सारा पंप वगैरह लगा हुआ है और अपनी वॉशिंग हो रही है जी। अच्छा बताइए सर कितनी देर लग जाती है वॉशिंग के लिए? 15-20 मिनट गाड़ी आपकी बाहर निकल जाती है वॉशिंग के। अच्छा, और आप कितनी देर में मतलब 15-20 मिनट में कितनी गाड़ियाँ इस सेक्शन में ले जाते हो और कर देते हो अपना वॉशिंग? गाड़ी। अच्छा, एक दो गाड़ियाँ जैसे अभी की है, एक और जा सकती है, तीन गाड़ियाँ अपना आराम से यहाँ वॉशिंग हो सकती हैं। अभी जो अगला स्टेप होगा अपना सर्विस का एक्टिवा 6G का, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगा वो अगला स्टेप, कैसे अपना यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर गाड़ी जाती है, उसके बाद जो स्टेप होगा वो मैं आपके लिए आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो सामने ये अपने बे बने हैं, बे 3 बे 4, यहाँ पर भी देख सकते हो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, बे 1 बे 2, बाकी जो इंजीनियर्स होते हैं वो यहाँ पर अपना गाड़ी को सर्विस करते हैं। मैं ये जो अंदर जो एरिया है यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं नहीं आया क्योंकि आज मैंने आपके लिए वीडियो शूट करनी थी। पहले जब मैं सर्विस करवाने आया हूँ अपनी एक्टिवा की, तब भी मैं हमेशा बाहर वेट, ये देख सकते हो आप ये गैलरी यहाँ अपना जो
यहाँ इसे वहाँ हमेशा बाहर वेट करिए, पर अंदर कभी नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम है जो मैं अंदर शूट कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो, तो देख सकते हो आप सारा कुछ अपना। ये सारा एरिया है, ये 5S सारा, ये ऑक्यूपेशन सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी अभी देखो जो वॉशिंग का सेकंड स्टेप होता है शैम्पू वगैरह वो हो रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हो धुलाई के निर्देश लिखे हुए हैं, गाड़ी को मेन स्टैंड पर खड़ा करें, पेट्रोल टैंक में पानी जाने से रोकने के लिए टंकी के ढक्कन को ढके, साइलेंसर तथा हवा फिल्टर पानी जाने से रोकने के लिए ढके, बिजली के उपकरण पर पानी को पुछारें ना लगाएं, बिजली के उपकरणों को गीले हाथों से ना छुएं, धुलाई करता लंबे रबड़ के जूते एवं दस्ताने पहनकर धुलाई करें, और कास्टिंग रहित पर्यावरण सुरक्षित वॉशिंग पाउडर का प्रयोग करें, अच्छी धुलाई के लिए नरम ब्रश व मुलायम सूती कपड़े का प्रयोग करें। तो ये सारे कुछ निर्देश जो लिखे हुए हैं, गाड़ी अंदर जाने से पहले ये सब निर्देशों का पालन किया जाता है, ख्याल रखा जाता है, फिर आपकी गाड़ी अंदर जाती है। अभी ये देखो गाड़ी बाहर आ चुकी है एक्टिवा पर, अब हमारी यहाँ पर लगी हुई है, छीटे पड़ रहे हैं, थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूँ। बाकी आप सामने देख सकते हो अपना स्पेयर पार्ट सेक्शन है, होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सर ने गाड़ी अपना वॉश कर दी है, अब अपना मेरे ख्याल से बाहर ड्राई होने के लिए जा रही है गाड़ी, या कपड़ा लगेगा, फिर उसके बाद अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पर गाड़ी चढ़ेगी। अब मैं आपको गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ सीधा, बाहर देख सकते हो सारी बारिश ही बारिश हो रही है आज। तो दोस्तों ये है अपनी 40 की मार्केट। जैसे अपना वॉशिंग एरिया से बाहर आती है गाड़ी, तो इसको ड्राई क्लोथ वगैरह लगाया जाता है, कपड़ा लगाया जाता है। बाकी देख सकते हो सारी एक्टिवा ही एक्टिवा खड़ी हुई है, सारी अपना होंडा की जो भी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, टू व्हीलर जो भी होंडा के, यहाँ पर आप सर्विस हो जाती है। तो मैं आपको एड्रेस फिर बताता हूँ एक बारी, देख सकते हो सारा अपना होंडा का सर्विस, प्लैटिनम होंडा, ये अपना एड्रेस है, देख सकते हो आप, शॉप नंबर 12-13 स्कूटर मार्केट सेक्टर 40 ही चंडीगढ़। तो कभी भी आपको अपनी होंडा की टू व्हीलर सर्विस करवानी हो, अपना निश्चिंत होकर यहाँ आएँ और अपनी टू व्हीलर को सर्विस करवाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक्टिवा कहाँ आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यही फ़ायदा अगर आप बुकिंग करवाते हो, जैसे अब मैं बुकिंग करवाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो मैंने बुकिंग करवाई कल, आज मैं जैसे ही अपना टाइम स्लॉट था उस टाइम स्लॉट पर आ गया, और आते ही मेरी गाड़ी अपना सर्विस में मतलब एंटर कर गई, मतलब जो होता है ना सर्विस की प्रोसीजर होता है उसमें चली गई।
तो जैसे अब मैं इसका अपना पिछला एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उस वक्त मैंने कोई बुकिंग नहीं करवाई थी, थोड़ा मेरा जो आने का वक्त भी था वो थोड़ा दोपहर से थोड़ा सा पहले था, पर उस वक्त मेरे को इतनी वेट करनी पड़ी थी, उस वक्त धूप भी बहुत ज़्यादा थी, आज तो चलो बारिश का मौसम है पर उस दिन धूप ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा वेट थक हार कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने कहाँ वेट करी थी, वो सामने देख सकते हो आप, यहाँ से जाकर अपना बाहर को खड़ा हुआ था मैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ी थी मेरे को। पर आज जो मेरा एक्सपीरियंस है ना बहुत बढ़िया रहा, इसलिए सबको रिकमेंडेशन दूंगा, मेरा बहुत प्यारा रिकमेंडेशन है सबके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, अपना बुकिंग जरूर करवा लें आने से पहले। फिर अगर आपका जैसा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आफ्टर बुकिंग, अगर आप पहले बिना बुकिंग के गए हो तब भी कमेंट सेक्शन में बता देना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आफ्टर बुकिंग जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। ये टॉप मॉडल वेरिएंट देख सकते हो आप, अपना डिस्क नीचे डिस्क देख सकते हो आप, ठीक है जी। बाकी दिखाता हूँ आपको HT BS6 मॉडल है अपना, अलॉय पैक्ड व्हीकल है जी, ठीक है जी। देख सकते हो फ्रंट में भी अपना सस्पेंशन सारा सब कुछ देख सकते हो, बाकी ये कार तो अच्छे एक्सेसरी में मैंने लगवाए थे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग अपना एक्टिवा 6G जो मॉडल वेरिएंट है, जो डिस्क वाला अलॉय वाला, उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दो कमेंट में, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ये सारा प्रीमियम होंडा अपना वैलिडिटी देती है 1 to 6 ईयर की, उसमें रीजनेबल चार्जेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, ये फीचर्स हैं सारे दिए हुए हैं, पैकेज ट्रांसफर ऑप्शन, पैकेज चॉइस, रिफंड ऑप्शन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। बाकी AMC बेसिक एश्योर्ड सेविंग्स, ये वैलिडिटी इसकी जो है वो है वैलिडिटी 1 ईयर। ये देख लो इंक्लूजन इसमें है जो है वो पीरियोडिक सर्विसेज, हेल्थ चेकअप है, रीजनेबल चार्जेस, स्पेयर पार्ट्स, लेबर, लुब्रिकेंट्स, वॉशिंग, ये सारा कुछ हो जाता है। बाकी जैसा वो बता रहे थे वो उस वक्त तो चलो वो सो हार्ड कॉपी में पेज में था, वो सारा विजिबल नहीं हुआ होगा, पर अब आपको सारा विजिबल हो रहा है, क्या क्या देख लो, गेट फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स अप टू 10 ईयर्स तक आपको ये सारा रिप्लेसमेंट मिल जाता है, इंजन पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट्स, ये सारा कुछ मिल जाता है, रिपल्स, किक गियर, पिस्टन, ये सब जो सारे मेंशन है देख सकते हो। अब मैं थोड़ा वीडियो को लंबा कर देता हूँ ताकि आप रीड कर सको। अगर आपने AMC लेना तो आप बेझिझक अपना AMC भी ले सकते हो, होंडा का अपना बहुत अच्छी आपको फीचर्स मिल जाते हैं। आपको दिखाता हूँ गाड़ी, मेरे ख्याल से आगे अंदर जा चुकी है ना गाड़ी, अंदर चलेगी। चलो अब मैं गाड़ी की तरफ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ सर्विस कहाँ बड़ी है, कहाँ तक सिर्फ पहुँच चुकी है। तो अपनी बे नंबर 1 पर आ चुकी है, अपना इंजीनियर जी अपना आगे बढ़ चुके हैं सर्विस करने के लिए, यहाँ देख सकते हो अपनी एक्टिवा लगी हुई है। हाँ जो सारे नट्स वगैरह खुले गए हैं, जैसे ये नट्स थे ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, उन्होंने ऊपर खींच लिया, प्लेटफॉर्म ऊपर चढ़ चुका है। ये नीचे देख सकते हो आप होंडा का जो इंजन है वो सारा नीचे से देख सकते हो आप, अच्छा आप ये सेक्शन निकाल दो तो पूरा पहले, अच्छा पूरा उठ जाता है।
ये भाई ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू भाई। देख सकते हो अपना सेक्शन खोल दिया हुआ है, बस थोड़ी देर में आगे बढ़ रहा है। जैसे काम वो मैं बताता हूँ आपको कैसे अपना सर्विस एक्टिवा की सर्विस होती है, एक एक डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग एक्टिवा की सर्विस की, तो आपकी जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग एक्टिवा की अपनी सर्विस का तो मेरे को कमेंट में ड्रॉप कर देना, अगर मेरे को नहीं भी पता होगा तो मैं यहाँ पर आपको अपना जो इंजीनियर्स हैं उनसे क्वेश्चन अपना पूछकर बता दूंगा, अपना आंसर जो भी है उसका वो बता दूंगा, जैसे भी आपको मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा सर। ये क्या सेक्शन था सर? ये जो है एयर फिल्टर है। ओके, यहाँ देख सकते हो अपना कोई कस्टमर नाराज हुआ बड़ा, पता नहीं क्या नाराजगी है, कोई इशू हुआ उनका तो समझ नहीं आ रहा कि बाकी सर्विस है। वो अपना इंजन ऑयल के जो स्टेप है उस पर पहुँच चुकी है, इंजन ऑयल को एक्सक्रीट आउट कराया जा रहा है इंजन में से, थोड़ी देर में इंजन ऑयल रिप्लेस किया जाएगा। सर इसकी इंजन ऑयल कितनी कैपेसिटी है, कितना जाता है इंजन ऑयल इसमें? 550 ml। जो इंजन ऑयल का पैक होता है वो 500 ml या 550 ml का, एक 600 ml का आता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों अपना एक्टिवा में जो इंजन ऑयल की कैपेसिटी है, इंजन की जो वो है अपना 550 ml, इसमें इंजन ऑयल अपना डलता है। अभी देखो कुछ बूंदे टपकरी हैं, वो निकल रहा है अपना, एक्सक्रीट आउट हो रहा है इंजन ऑयल अपना। और जो इंजन ऑयल की पैकिंग होती है वो अपना 600 ml की आती है, 50 ml बचता है वो इधर उधर हो जाता होगा जो भी है जैसा भी है। ये देख सकते हो मेरे ख्याल से यही इंजन ऑयल है, 600 ml का जो अंदर दिख रही है आपको पैकिंग वो है। बाकी पैकिंग आपको दिखाऊंगा अच्छे से इंजन ऑयल की डलने से पहले, मैं दिखाऊंगा आपको शायद वो देखो नीचे पड़े हैं वो सारे बॉक्स। तो ये देखो ये है पैकिंग इंजन ऑयल की, होंडा का अपना 5W30 प्रो होंडा जेन्युइन लूब्स एंड केमिकल्स, ये इंजन ऑयल अपना एक्टिवा में डलने जा रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ अगला स्टेप, जैसे इंजन ऑयल ये डालेंगे तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। चलो फिर दिखाता हूँ आपको, काम तो पूरा नहीं कर रहा हूँ, पूरा नहीं काम कर रहा।
यहाँ अभी थोड़ा सा फन वगैरह करे जा रहा है, जैसे अपना एम्प्लॉयज़ अपना कोलीग्स में फ़न होता है ना, चलता है बातों में, वो सारा फन वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे को टोंट से टीज से कर रहे हैं। ये कह रहे थे अभी भाई कि इनको कह रहे थे कि अभी आपको वीडियो में आ रहे तो रिश्ते आएंगे। अभी बस मजाक अच्छा चलते रहना चाहिए, यही हैप्पी इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ आप काम करते हो, वर्क प्लेस है, वहाँ ऐसे ही अपना हैप्पीनेस स्प्रेड करते रहना चाहिए, छेड़ते रहना चाहिए एक दूसरे से बातें, यही सब चलते रहना चाहिए। क्या कर रहे हो? केड़ा ये है, इतनी गल कर रहे हो भी? और बढ़िया यार, सिंगल ही ठीक है, सब तो बढ़िया लाइफ है। सर ये क्या क्या चीज़ है? ये डबल टेन। ठीक है, ये शो को ऑब्जर्व करती है इधर ना, तो देख सकते हो ये स्पेसिस में यहाँ डबल टेप वगैरह जो भी ये लगा रहे हैं सर अपना। इसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे रबर से यहाँ पर ये सीट्स के नीचे, जब ये सीट हम छोड़ते हैं अपना, तो ये अपना यहाँ पर शोक अब्जॉर्बमेंट का काम करती है एक तरह का। देख सकते हो आप पूरा फन चल रहा है, रोज होती है, मस्ती करते रहते हैं ना। नहीं करते रहना चाहिए, वर्क प्लेस पे मस्ती होती रहनी चाहिए, ऐसे अपना एक अच्छा वातावरण सा बना रहता है और आपका काम में भी मन लगा रहता है, काम भी अपना आराम से होता है, ऐसे इजीली होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और आप बोर वगैरह भी नहीं होते, तो ये सब चलते रहना चाहिए फन। अभी सर टेस्ट राइड के लिए चले गए अमेरिका से, ये भी दूसरी भी अपनी टेस्ट राइड के लिए गई है जैसे हुआ।
शहर जा रहे, वो पिछली एक्टिवा थी वो पीछे गई। बारिश देख सकते हो अभी भी हो रही है, बाकी ये सब देख सकते हो आप, सारी मोटर मार्केट आई है, बहुत पुरानी मोटर मार्केट आई है। अभी तो कुछ शॉप्स वगैरह और खुल गई इधर, पहले तो सारी ही डेडिकेटेडली एक मोटर मार्केट थी, चंडीगढ़ की एक मशहूर मोटर मार्केट कहा जाता है इसे भी, 40 की मोटर मार्केट देख सकते हो आप। ये सारी रोज यहाँ जा रही है, सारी मोटर मार्केट है, सारा ए टू जेड व्हीकल्स का काम हो रहा है इधर। मोस्टली टू व्हीलर्स हैं जो यहाँ पर ज़्यादा सर्विस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टू व्हीलर्स की सर्विस करवानी है, तो अपना कोई भी काम करवाना है, तो आप चाली में आ सकते हो, अपना चाली में आकर अपना टू व्हीलर को अपना सर्विस वगैरह जो भी रिपेयर वगैरह करानी है करा सकते हो। होगी सर इधर डन है काम, ठीक है जी। अभी बस सारा डन है काम और थोड़ा कपड़ा रह गया, कपड़ा बचता है जैसे, फिर एक सारा आपको वॉक अराउंड दूंगा सारा इसका। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन या क्वेरी है रिगार्डिंग एक्टिवा अपना 6G BS6 वेरिएंट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, भेज दीजिएगा उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको। क्या कह रहे हो, क्या ये क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ, इसकी चाय फेमस है। तो भाई 40 में मोटर मार्केट पे आओगे तो भाई से चाय जरूर पी के जाना, बहुत फेमस है। देखो भाई खुद रिव्यू दे रहे हैं बंदे, दूसरे इधर उधर के सारे खुद रिव्यू दे रहे हैं, तो भाई के पास आओ और अपना चाय पी के जाओ, कॉफ़ी भी पी सकते हो। तो आज देख सकते हो बारिश वाला मौसम है और भाई लोगों की मस्ती सारी चली हुई है, जा रही है मस्ती। नहीं नहीं भाई, थैंक यू यार, थैंक यू, धन्यवाद भाई, पूछा आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। नहीं मेरे को पता आप लोग मस्ती कर रहे हो एक दूसरे के साथ, है ना, चलते रहना चाहिए यार, यही तो होता है और क्या है ना। तो यही है दोस्तों, कभी भी आना हो प्लैटिनम होंडा 40 में, इसी रो में रहा, इसी रो पर है। ये देखो 40, ये देखो 40-41 की लाइटें हैं अपना, ठीक है जी, 40-41 लाइटों के बिल्कुल साथ में ही पड़ता है ये अपना सारा, ये प्रेमाइसिस है अपना, बूथ्स हैं यहाँ पर ही, अपना प्लैटिनम होंडा सेक्टर 40 का जो अपना सर्विस स्टेशन है, यहाँ पर आके करवा सकते हो। बहुत बढ़िया स्टाफ है, सारे बहुत एकदम एक नंबर मस्त बंदे हैं सारे, आपको बहुत सही अपना सेटिस्फेक्शन काम करके देते हैं, ठीक है जी। आप आओ अपना सर्विस करवाओ एक्टिवा की जब मर्जी, और अपना होंडा का टू व्हीलर कोई भी करवा सकते हो ना, दूसरा भी मोटरसाइकिल भी हो जाते हैं यहाँ पर सर्विस, ठीक है। तो मोटरसाइकिल भी आप होंडा का, अगर आपके यहाँ मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल भी आकर अपना सर्विस करवा सकते हो, एक बार जरूर आएँ अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस ले। मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, सही रहा सब, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, सारा अच्छे से सर्विस होगी, बहुत बढ़िया स्टाफ है, बाकी यही कहूँगा। ये देखो भाई, पहले तो मैं सबका शुक्रिया कहूँगा कि आप इतना प्यार दे रहे हो यार, वही मेरे लिए बहुत होता है, ठीक है ना। वो मारो उसको फ्लाइट मोड में मार के दोबारा एक्टिवेट करूँ, वाईफाई चल रहा है ना। तो ऐसे ही दोस्तों, मेरे को भी बहुत बढ़िया लगता है जैसे अब मैं जाता हूँ कहीं अपना व्लॉग शूट करता हूँ,
तो मेरे को प्यार मिलता ना जो उसका बहुत मेरे को अच्छा लगता है यार। एक दिल से ना, जैसे मैं बताऊँ आपको कि लोग इतना प्यार देते हैं आसपास के, सपोर्ट करते हैं आपको, यही बहुत मैटर करता है। देखो एक इन्होंने क्या लेना, ये मेरी वीडियो वॉच करेंगे, ठीक है, मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, जनता का प्यार ही तो यार हम सबके एक एक क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर के लिए यही तो मैटर करता है, और वो अगर आपको मिल जाए उससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। हाँ जी यही है भाई, डबल जी ब्लॉग सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच भाई, सब्सक्राइब कर लिया भाई ने ऑलरेडी, दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। सभी भाइयों को शेयर कर देना वीडियो, चैनल शेयर कर देना, थैंक यू सबको। आप सब आओगे ब्लॉग में, और अपनी एक्टिवा यहाँ से जा चुकी है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिवा अपनी हो चुकी है, मैं अब आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, पूरी सर्विस डन हो चुकी है। अब आप देखो सारा एक लुक, बी रोल देता हूँ इसको, सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ आपको, चेक करो अब। ये पूरी सर्विस होकर आपके सामने देख सकते हो, क्लीन एक्टिवा आ रही खड़ी है। अपना एक सेल्फी मार के देख लेते हैं अपना, ये हमने किया इग्निशन ऑन, बाकी अब मैं आपको बताता हूँ इसकी साउंड बहुत मस्त लग रहा है कि हाँ इसकी जो वो होती है, इसकी ज़रूरत थी वो इसकी पूरी हो चुकी है। बाकी सड़कों पे जो एक्सपीरियंस होगा, इसका परफॉर्मेंस होगी, वो भी मैं मोटो ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी अभी मैं इनको पेमेंट वगैरह कर देता हूँ, जो भी पेमेंट है, रिक्वायरमेंट है वो पेमेंट कर देता हूँ, बाकी उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा क्या सारा पेमेंट का हिसाब किताब रहा। बाकी एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ इसकी, एक इंजन में रिफाइनमेंट सी सुनने को मिल रही है आपको, अच्छा जैसे लगता है कि इंजन को ट्रीट किया गया, वो आपको साउंड सुनने में मिल रही है। चलो अब मैं बिना किसी देरी के अपना पेमेंट करवाता हूँ, उसके बाद आपको सड़क पे लेके चलता हूँ एक्टिवा पे, और आपको सुनाऊंगा सारी इसकी परफॉर्मेंस की गाथा। चलो फिर पेमेंट अपनी हो चुकी है, बाकी रिसिप्ट ले रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाहर लगा दिया मैं, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर्विस के लिए, बहुत बढ़िया लगा, नाइस एक्सपीरियंस था मेरा, मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा अपना प्लेटिनम होंडा में आए और सर्विस करवाएँ। थैंक यू सर, देख सकते हो अपना एक्टिवा सर्विस होकर आ चुके बाद। अभी चलो ठीक है, मानता हूँ बारिश का मौसम है, थोड़ा धुलाई वगैरह तो फेड आउट हो जाएगी इसकी, पर हमें जो इंजन की रिफ्रेशमेंट चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अभी बाकी दिखाता हूँ आपको, ये था देख सकते हो आप अपना प्लैटिनम होंडा सेक्टर 40 में अपना एक्सपीरियंस। बाकी अब चलो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। चलो जी, आफ्टर सर्विस अब मैं आपको देता हूँ सारा इसका परफॉर्मेंस रिव्यू, आफ्टर सर्विस कैसी ये अपनी एक्टिवा राइड करके अपना थ्रिल दे रही है सड़कों पर, वो मैं सारा आपको चेक करवाता हूँ। चलो जी वह यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ मेरी इसी, ये जो आप देख रहे हो घर देख रहे हो ना, यहाँ मेरी ना ट्यूशन होती थी, यहाँ मैं पहले ट्यूशन पढ़ता था अकाउंट्स की, +1 +2 में। तो सर बहुत सही थे, अच्छा पढ़ाते थे, बढ़िया था सारा कुछ। इधर जाके ही हैं कहीं, ये इधर घर मोहल्ले इधर लाइन में है कहीं घर उनका, पता नहीं अब तो यहाँ पर है कि नहीं, पर यही था जाकर, सही था, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगता है ट्यूशन पढ़कर, अपना इन्वायरमेंट सही था, सब बढ़िया था। बाकी अब बने रहो दोस्तों, आप देख सकते हो फ्यूल भी इसमें 3 डंडे हैं, 3 बार्स हैं, 40 की सड़कों पे हम अपनी एक्टिवा के साथ आ चुके हैं।
तो लो जी दोस्तों, अब भगाने का टाइम आ चुका है। एक्टिवा भगाते हैं हम, पहले वाहेगुरु जी के आके मत्था टेकते हैं जी। वाहेगुरु मत्था टेकते हैं जी। ठीक है जी, अब दौड़ाते हैं अपनी एक्टिवा। ओह हाँ, फुल दौड़ दी भाई। हॉर्न हुरन इंडिकेटर चेक कर लेते हैं। राइट इंडिकेटर दे रही है अपनी, लेफ्ट इंडिकेटर भी सही चल रहा है। हॉर्न दे देते हैं, आगे पीछे व्हीकल आ रहा है कोई, और बाकी बैक लाइट भी वर्क कर रही है अपना, सब कुछ सही है। ब्रेक्स भी बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, ये देखो ब्रेकिंग अच्छा है। बारिश थम चुकी है, अच्छी बात यह है। और यही है दोस्तों, एक कपड़ा मारना पड़ेगा घर जाकर एक्टिवा पे दोबारा से, वो मैं मार लूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अपना जो सर्विस का कार्य था वो हो चुका है। आजो जी आजो। ठीक है जी, आओ आओ, कोशिश करता हूँ। चलो आओ, एक मिनट रुको। चलो कोई बात नहीं यार भाई, है मदद कर देनी चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो हमारी भी कोई मदद कर देगा, यही होता है भाई, है ना। आपने भी किसी की करी होगी तभी मिली है आपको। ओके भाई, हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, आप YouTube वीडियो में आओगे। हाँ ब्लॉग ही शूट हो रहा है मेरा, कैमरा लगा हुआ है, डबल जी व्लॉग्स, DOUBLE। आप पार हो जाओ पहले, पेट्रोल पंप ही जाना ना हमने। हाँ आप आ जाओ, आगे को आ जाओ। वैसे यहाँ फिर ना ठुल्ले खड़े होते हैं, आप यहाँ से निकल जाओगे, वहाँ पुलिस वाले होते हैं, पैदल पैदल निकल जाना, कोई चक्कर नहीं। अगर ऐसे चला के जाओगे तो फिर चलान काट देंगे। इधर जाना, इधर जाना है, क्या? चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है सर डबल जी व्लॉग्स, DOUBLE, डबल होता है ना, दोहरा दोहरा डबल, उसके बाद अकेला जी है, फिर व्लॉग्स है, डबल जी जी, डबल जी व्लॉग्स। अभी कर लो सर्च, नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, आओगे जरूर आओगे व्लॉग में। ठीक है भाई, तो ऐसा ही है दोस्तों। अभी जो भाई मिले उसकी मदद करी, अपना सबकी मदद करनी चाहिए। आपको कोई भी अपना सड़क पे मिले यार, देखो हम ठीक है, कभी आप भी फंस सकते हो, तो आपकी कोई मदद करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। वैसे भाई को भी अच्छा लगा होगा, अब उससे आगे मैं जा नहीं सकता था क्योंकि वो रॉन्ग साइड हो जाती, ठीक है, वहाँ पर मेरे को पता है ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, तो इसलिए वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती, तो इसलिए मैं आगे नहीं उनका साथ यहीं तक दे पाया जितना दे पाया। बाकी उनको मदद मिल गई, उसके लिए मैं कहता हूँ बस आगे वो चले जाएँ। ये भी देखो भाई फंसे हुए हैं अपने, इनका भी कोई इशू हो चुका है, ठीक है। अब ये तो वहाँ, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता ना, इन्होंने मेरे को रोका, उस भाई ने तो मेरे को रोका, मैं बाद अपना रुक गया। चलो भाई अपना पेट्रोल डलवा लेंगे, उसके बाद अपना जहाँ उन्होंने उनकी मंजिल होगी वहाँ वो चले जाएंगे। बाकी ये दोस्तों देख सकते हो आप, मौसम ऊपर बादल ही बादल हैं अपना। और तो दोस्तों चलो फिर इसी ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ अपना, मिलूँगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्टिवा के सर्विस के बारे में है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको जरूर और ज़रूर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना वीडियो को लाइक कर दें, अपना प्यार इसी चैनल पर देते रहें। बहुत सारा कंटेंट लाइंड अप है रिगार्डिंग व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, सारे इंजन्स के बारे में, सारे मोटर व्हीकल्स के बारे में, परफॉर्मेंस, माइलेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी चलो फिर, ओके, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।